नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार में अब सरकारी नौकरियों के आसार दिखने लगे हैं और कई विभागों में वैकेंसी भी नजर आने लगी है। एक बार जिस तरह वादा 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने किया था, अब उन वादों को पूरा करने का समय आ चुका है, क्योंकि तेजस्वी यादव भले ही मुख्यमंत्री ना हो मगर उप मुख्यमंत्री जरूर हैं। ऐसे में बिहार में वैकेंसी अब नजर आने लगी है। बीएसएससी ने प्रथम इंटर स्तरीय बहाली की प्रक्रिया को पूरा कर लिया। भले ही 8 साल का समय लग गया मगर प्रथम इंटर स्तरीय के जो अभ्यर्थी हैं उनकी अलग अलग विभागों में बहाली हो गई। ऐसे में अभी एक बार फिर इंटर स्तरीय वैकेंसी आने वाली है, द्वितीय इंटर स्तरीय, और इसके लिए अब रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिहार कैबिनेट में जिस तरह से फैसला लिया गया है और उसके बाद राजस्व विभाग में बहाली और रिक्तियों को लेकर जो खबर आई है उससे ये साफ दिखने लगा है कि बहुत जल्द बीएसएससी फिर वैकेंसी निकालने वाला है। तो ये जो खबर है वो इस तरह से है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी डीएम यानी सभी जिलाधिकारी से उनके जिलों में राजस्व कर्मचारियों के रिक्त पदों का अद्यतन ब्यौरा मांगा है। विभाग ने अभी हाल ही में 4,325 पदों पर राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति कर उन्हें नियुक्ति पत्र दिया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विभाग में आवश्यकता अनुसार खाली पदों को भरने का निर्देश दिया था ताकि काम की गुणवत्ता और गति प्रभावित न हो। मुख्यमंत्री ने जमीन से संबंधित आपसी विवाद जल्द से जल्द खत्म करने और जमीन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए शीघ्रता से नियुक्तियां करने को कहा था। इसके बाद विभाग ने सभी डीएम से राजस्व कर्मचारियों की रिक्ति से संबंधित अद्यतन आरक्षण कोटिवार रोस्टर उपलब्ध कराने का निर्देश दे दिया है। उनसे पूछा गया है कि जिले में जितने भी राजस्व कर्मचारी रिटायर हुए हैं और अन्य कारणों से पद रिक्त हुआ है उसका पूरा ब्यौरा 15 दिनों के अंदर विभाग को भेजा जाए। विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राजस्व कर्मचारियों की कुल स्वीकृत पद 8,463 है, जिसमें से अभी हाल ही में 4,325 पदों पर नियुक्ति कर नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। ये वही अभ्यर्थी हैं जो प्रथम इंटर स्तरीय से बहाल होकर आए हैं। पहले से विभाग में करीब 1500 राजस्व कर्मचारी काम कर रहे हैं। इसके बाद अभी 2616 यानी 2,616 और पदों पर और नियुक्तियों की जरूरत है। तो इस तरह से नियुक्तियों का ब्यौरा सरकार ने मांगना शुरू कर दिया है। अलग अलग विभागों से ब्यौरा मांगा जा रहा है और उसी को देखते हुए ये साफ तौर से नजर आ रहा है कि बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय की बहाली भी बहुत जल्द निकालने वाला है। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं और खासकर वो अभ्यर्थी जो लगातार इस उम्मीद से हैं कि सरकारी नौकरी उन्हें पानी है तो उनके लिए एक बड़ा मौका आने वाला है। तो वो अपनी तैयारी में लगे रहें, भिड़े रहें और जल्द से जल्द ये वैकेंसी आने वाली है। तो इस तरह की खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।